नमस्कार दोस्तों, एरेट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र बहुत ही प्राचीन विचारधारा है, यह सभी विषयों की जननी भी मानी गई है। आइए दर्शन से संबंधित जानकारी लेते हैं। तो दर्शन के दो मत है, एक भारतीय मत और दूसरा पाश्चात्य मत। आज हम भारतीय मत के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो भारतीय मत के अनुसार दर्शन जो है वह संस्कृत के दृश धातु से ली गई है, जिसका अर्थ है देखना अथवा दृष्टि। तो यहाँ पर आपके सामने तीन प्रश्न उभरते हैं कि हमें क्या देखना है, हमें क्यों देखना है और हमें किससे देखना है। तो सबसे पहले आते हैं हमें क्या देखना है। तो आप इस भौतिक जगत को देखते हैं, तो भौतिक जगत में निर्जीव एवं सजीव दोनों ही आएंगे, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु, मनुष्य, पहाड़, नदियां आदि। हम किससे देखते हैं? हमारे चक्षु के द्वारा अथवा नेत्रों के द्वारा देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इसको देखने से हमें सुख या आनंद की अनुभूति होती है। तो हम साधारण शब्द में कहते हैं कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड इज अ फिलोसोफर। और अगर हम साधारण शब्द में दर्शन को परिभाषित करेंगे तो हम कहते हैं कि जीवन से संबंधित विचारों एवं मान्यताओं के अध्ययन को दर्शन कहते हैं। द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ इज कॉल्ड दर्शन। तो दर्शन के लिए कहा गया है दृश्यते इति दर्शनम, अर्थात जिसे देखा जाए अथवा जाना जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रामाणिक विषय जो है उसका ज्ञान ही दर्शन है। तो यहाँ पर प्रामाणिक विषय का ज्ञान दर्शन कहलाता है। अब दूसरे इसमें यानी उपनिषद में कहा गया है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिससे देखा जाए। तो यहाँ पर जिससे की बात की गई है, जिससे यानी प्रत्यक्ष ज्ञान की बात यहाँ पर कही गई है। तो ज्ञान प्राप्त करने के अनेक साधन हैं, जैसे आप अनुमान के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप उपमान के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप शब्द के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और आप प्रत्यक्ष के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात कही गई है तो इनमें सबसे अत्यंत विश्वसनीय साधन प्रत्यक्ष नेत्र द्वारा देखना है। शब्द भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो आप्त पुरुषों ने अपनी अविचलित बुद्धि और शुद्ध अंतःकरण से प्राप्त करके लौकिक जनों के उत्थान हेतु गुरु शिष्य परंपरा प्रसारित की। तो चार्वाक को छोड़कर सभी दर्शन जो है भारतीय वो आप्त वाक्य को प्रामाणिक मानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष को दो रूप में विभाजित किया है। तो प्रत्यक्ष के जो दो रूप है वो है इंद्रियजन द्वारा प्राप्त ज्ञान, जो कि हम स्थूल इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, और दूसरा है सूक्ष्म
सॉरी अंतर्दृष्टि द्वारा। तो अंतर्दृष्टि द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह सूक्ष्म सॉरी वो हम सूक्ष्म वृत्तियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी सूक्ष्म मन के द्वारा हम यहां पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब आते हैं हम दर्शन के लिए, कहा है दृश्यते यथार्थ इति दर्शनम, यानी जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो वही दर्शन है। जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो वही दर्शन है। तो यहां पर आपने देखा कि दर्शन जो है वो चिंतन के साथ साथ अनुभूति का भी विषय माना गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि सत्य की अनुभूति या बौद्धिक विकास के साथ साथ समग्र व्यक्तित्व का विकास करती है। दर्शन में ज्ञान कर्म व भाव निहित है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि दर्शन को दो रूप में ग्रहण करने की बात की गई है। तो दर्शन के जो दो रूप है जिसमें हम ग्रहण कर सकते हैं वो है, एक है आपका सूक्ष्म तात्विक पदार्थ का ज्ञान जो कि हम किसके द्वारा लेंगे, जैसे इसका नाम है सूक्ष्म तो यह सूक्ष्म चक्षु के द्वारा प्राप्त होगा। और दूसरा है हमारा स्थूल तात्विक पदार्थ का ज्ञान जो कि हमें स्थूल चक्षु के द्वारा प्राप्त होगा। स्थूल जो तात्विक पदार्थ का ज्ञान है वह हमें स्थूल चक्षु के द्वारा प्राप्त होगा। तो ऐसा माना गया है कि प्राकृतिक या बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक जगत के बहुत से तत्व अत्यंत सूक्ष्म है जिन्हें चक्षु के द्वारा देखना संभव नहीं है। परम तत्व की प्राप्ति के लिए स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पदार्थ से साक्षात्कार करना जरूरी है या आवश्यक है। और सूक्ष्म पदार्थ को देखने के लिए विशेष प्रकार के चक्षु की आवश्यकता होती है जिसको हम प्रज्ञा चक्षु अथवा ज्ञान चक्षु भी कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि गीता में जो विश्व रूप दिखाया था श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को, तो उसके लिए उन्होंने अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए थे। इसी तरीके से एक और उदाहरण हम देखते हैं महाभारत में, कि महाभारत का जो युद्ध स्थल था उसकी जानकारी संजय ने धृतराष्ट्र को अपने दिव्य नेत्र के द्वारा दी थी। तो ऐसा माना जाता है कि बहुत ही साधना अथवा तपस्या करने पर या भगवान या के आग्रह पर एक यह दिव्य नेत्र प्रदान किया जाता है। और एक बार जब यह दिव्य नेत्र खुल जाते हैं तो सभी सूक्ष्म पदार्थ प्रत्यक्ष दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए तत्व का साक्षात्कार ही दर्शन है। इसी को सम्यक दर्शन भी कहा गया है। और इसीलिए मनु ने कहा है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने से मनुष्य कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है और सम्यक विहीन पुरुष ही संसार के बंधन में पड़ जाते हैं। अब आते हैं हम दर्शन का गूढ़ रहस्य या गूढ़ अर्थ क्या है। तो दर्शन का गूढ़ अर्थ है जो लौकिक एवं पारलौकिक विशेषण से युक्त आध्यात्मिक अनुभव एवं प्रभावशाली गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करने में समर्थ हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गूढ़ अर्थ है उसके लिए कहा जाता है कि मनुष्य जगत में व्याप्त नियमों को ढूंढने चलता है
और जब वह देखता है या ये जानने के लिए आतुर होता है कि उसके अंदर भी एक दुनिया है जो बाहर की दुनिया से किसी तरह भी भिन्न नहीं है। तो उपनिषद में हम देखते हैं कि जीवन, मृत्यु, इहलोक, परलोक, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति आदि गुण विषयों का विवेचन किया गया है और आध्यात्म विद्या ही उपनिषद है। इसीलिए उपनिषद में भ्रम को नष्ट करके यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। अब आते हैं हम भारतीय दर्शन में चार पुरुषार्थ दिए गए हैं और यह है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष यानी मुक्ति। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो धर्म, अर्थ और काम है यह जीवन में प्राप्त करना संभव है, लेकिन मोक्ष के लिए हमें मृत्यु के पार दस्तक देना जरूरी है। मोक्ष का मतलब या मुक्ति का मतलब जब संसार के आवागमन से हम दूर हो जाते हैं या हमारा पुनः जन्म नहीं होता है, जब आत्मा परमात्मा से मिलकर उसका अभिन्न अटूट हिस्सा बन जाती है। यह जल में कुंभ अथवा कुंभ में जल की स्थिति है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि जल घड़े में या घड़ा जल में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि घड़ा जो है इसका मतलब यह है कि पंच महाभूत से बनी देह। इसी तरीके से आप देखते हैं कि जो बुद्ध दर्शन है, खास करके जो गौतम बुद्ध ने दिया है, उस दर्शन में निर्वाण की बात कही गई है मोक्ष के लिए। तो बौद्ध दर्शन जो है उसमें निर्वाण ही मोक्ष माना गया है और जो जैन दर्शन है उसमें कैवल्य को माना गया है और इसी तरीके से आप देखेंगे गीता में, तो गीता दर्शन में भी आप देखते हैं कि यहाँ पर निष्काम कर्म की बात की गई है। ये तो थी भारतीय मत के अनुसार दर्शन की बात। अब हम चलते हैं पाश्चात्य दर्शन की ओर। तो पाश्चात्य मत के अनुसार आप देखेंगे कि दर्शन जो है उसके लिए फिलॉसफी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो यह फिलॉसफी शब्द जो है वह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है या ग्रीक भाषा के दो शब्द है जिसको हम यूनानी भाषा भी बोलते हैं। बात एक ही है, चाहे आप उसे यूनानी भाषा कहिए या आप उसे ग्रीक भाषा कहिए। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है फिलॉस और दूसरा है सोफिया। तो फिलॉस का अर्थ है प्रेम यानि लव और सोफिया का अर्थ है ज्ञान अथवा विजडम। तो दोनों को अगर हम मिलाए तो हम कहते हैं ज्ञान से प्रेम। तो यहाँ पर जो ज्ञान से प्रेम की बात कही गई है यानि जो दार्शनिक है उन्हें अपने ज्ञान से प्रेम होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लव ऑफ विजडम। तो यहाँ पर दर्शन की जो परिभाषा है उसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर प्लेटो जो प्रसिद्ध दार्शनिक है उनके अनुसार प्लेटो कहते हैं कि पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। फिलोसॉफी एम्स एट अ नॉलेज ऑफ द इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर अगर आप इस परिभाषा को देखें खास करके प्लेटो की, तो प्लेटो का ये मानना है कि इस परिवर्तनशील जगत से परे अपरिवर्तनशील, अलौकिक तथा शाश्वत तत्व विद्यमान है, उसका ज्ञान ही पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान है, अतः इस यथार्थ स्वरूप के ज्ञान को ही दर्शन कहते हैं। तो प्लेटो ऐसे ज्ञान की खोज में थे जिसमें निश्चितता हो, अर्थात ज्ञान ऐसा हो जिस पर संदेह न किया जाए और जो समय के साथ ना बदले, और इसीलिए प्लेटो बुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की बात करते हैं। अब आते हैं हम दूसरी परिभाषा की ओर जो प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने दी थी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल।
तो उनका उनके अनुसार दर्शन ऐसा विज्ञान है। उन्होंने दर्शन को क्या माना है? उन्होंने दर्शन को विज्ञान माना है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। फिलोसॉफी इज अ साइंस विच इन्वेस्टिगेट द नेचर एज इट इज इन इटसेल्फ। तो यहाँ पर अगर हम अरस्तु की परिभाषा देखें तो आप देखेंगे कि अरस्तु चरणों की एक श्रृंखला को निष्पादित करने की बात करते हैं। उनके अनुसार शुरुआत में वस्तु का अवलोकन और वर्णन करना चाहिए, इन वस्तुओं के ज्ञान को तर्क के माध्यम से फिर इसका मूल्यांकन करना चाहिए। इसीलिए अरस्तु जो है उन्होंने आगमन विधि अपनाई थी जो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है। तो यह इसीलिए इन्होंने दर्शन को विज्ञान माना है। अब आते हैं हम राधा कृष्णन के अनुसार। तो प्रसिद्ध दार्शनिक राधा कृष्णन जो है उनके अनुसार दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कसंगत खोज है। फिलोसॉफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इन टू द नेचर ऑफ रियलिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राधा कृष्णन जी है उन्होंने दर्शन को एक खोज के रूप में माना है और वह भी तर्क के द्वारा। अब आते हैं हम कि कुछ जो दार्शनिक है, जैसे हमने देखा प्लेटो, वह दर्शन का जन्म आश्चर्य, कौतूहल और जिज्ञासा को मानते हैं। और कुछ अन्य दार्शनिक जो है, जैसे आप देखेंगे रेने डेकार्टे, तो रेने जो डेकार्टे है वे संदेह भावना को दर्शन की जननी मानते हैं। और रेने डेकार्टे को आधुनिकी पश्चिमी दर्शन के जन्मदाता भी माना गया है। इसी तरीके से आपने देखा कि कुछ जो दार्शनिक है वह दर्शन की उत्पत्ति मनुष्य की जिज्ञासा या संदेह भावना न मानकर मानसिक अशांति को मानते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध ने इसी प्रकार अशांति अनुभव की थी, जरा रोग और मरण से दुखी होकर, और अपने दर्शन को प्रारंभ किया था। तो दर्शन का जन्म किसी एक भावना से नहीं होता। जब तक मन में आश्चर्य, जिज्ञासा, संदेह, अशांति, कुतूहल उत्पन्न नहीं होता, तब तक दर्शन या चिंतन की अनुभूति नहीं हो सकती। अब आते हैं हम कुछ जानकारी देने के लिए आपको। इसमें आप तीन प्रसिद्ध दार्शनिक को देखेंगे। एक है सुकरात, जिसको हम कहते हैं सोक्रेट्स। दूसरे है प्लेटो, जिसको हम प्लेटो ही कहते हैं हिंदी में भी। और तीसरे हैं अरस्तु, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल। अरस्तु, ये तीनों ही यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो आप देखेंगे कि यूनान के जो ये प्रसिद्ध दार्शनिक है, इनका काल मध्यकाल का था। और नीचे एक और आप फोटो देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सिकंदर महान। अब आपको एक और बात बता दूं कि ये सभी एक दूसरे के गुरु और शिष्य है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सुकरात गुरु है प्लेटो के, प्लेटो गुरु है अरस्तु के, और अरस्तु गुरु है सिकंदर महान के। तो अगर आपको इनकी कड़ी याद रखना है एक के बाद एक, तो आप स्पा जाते हैं, आप स्पा को याद रखेंगे। S फॉर सुक्रेट्स, P फॉर प्लेटो, A फॉर एरिस्टोटल, और लास्ट में आप बाहर रखेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी सिकंदर महान। तो आप देखेंगे एक और फोटो यहाँ पर दी गई है, वो दी गई है पाइथागोरस की। तो पाइथागोरस जो थे वे प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे और गणितज्ञ भी थे। और पाइथागोरस ने दार्शनिक शब्द सबसे पहले इस्तेमाल किया था। तो आज के वीडियो में
इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने कमेंट्स जरूर लिखें। धन्यवाद।